श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 100 श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, 1-3 तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घकाल के बाद दूर से, नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम क्यों वन में आए हो? भाई, महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और इसीलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौसल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या कैकेयी देवी भी आनंदित हैं? जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पुनर्तः सत्कार किया है? हवन विधि के ज्ञाता बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें ये सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और अब अमुक समय में हवन करना है? तात, क्या तुम देवताओं पितरों भरित्यों गुरुजनों पिता समान आदरणीय वृद्धों वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो? तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर शास्त्रज्ञ जितेंद्रिय कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? रघुनंदना, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? रघुनंदना, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? उसमें विलंब तो नहीं करते? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हों? तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं? तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना?
क्या तुम सहस्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थसंकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1,000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है, वो स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले, रणकर्मदक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान प्रधान योद्धा, सेनापति, बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है? तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते? यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है, वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद सद विवेक युक्त है न? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18-1 और अपने पक्ष के 15-2 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो? क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। वह हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहसों की संख्या में वहां सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भलीभांति रक्षा तो करते हो न? 40-42 रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश, अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं,
जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वो अपना कोसल देश धन धान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न। 43-46 तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र है न, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो न, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते? जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं, वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है न? तुम्हारे पास दूध देने वाली गायें तो अधिक संख्या में है न? अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथिनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है? तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती? राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहन काल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो? काम काज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते? अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते? क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थसिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शास्त्र, जल, यंत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? रघुनंदना, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना? कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो? नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है? रघुकुलभूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं न? रघुनंदना, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धनदान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण कौम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो न? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुँचाते? अथवा आसक्ति और लोभरूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते? विजयी वीरों में श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं न? नास्तिकता,
असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रख कर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो न? 65-67 महाप्राज्ञ भरत 10 वर्ग 1 पंचवर्ग 2 चतुर्वर्ग 3 सप्तवर्ग 4 अष्टवर्ग 5 त्रिवर्ग 6 3 विद्या 7 बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना 6 गुण 8 दैवी 9 और मानुषी बाधाएं राजा के नीतिपूर्ण कार्य 10 विंशति वर्ग 11 प्रकृतिमंडल 12 यात्रा शत्रु पर आक्रमण दंडविधान व्यूहरचना तथा 2-2 गुणों की 13 योनिभूत संधि और विग्रह इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो न? इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो न? 68-70 विद्वन क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? रघुनंदना मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है न? क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है उसी का तुम पालन करते हो ना? रघुनंदना तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना? इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है।